गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा। चलिए सबसे पहले आज की डेट लिख लेते हैं। क्लास वर्क, आज की डेट है 14.10.20। बच्चों, इससे पहले हमने की थी छोटी ई की मात्रा, ई जिसकी साउंड ऐसे आती थी ई। आज हम करेंगे बड़ी ई की मात्रा, और बड़ी की मात्रा कौन सी होती है? ये वाली। ये कहाँ से लगती है? पीछे से। बड़ी की मात्रा कहाँ से लगती है? अक्षर के पीछे। छोटी की मात्रा हम अक्षर के आगे लगाते थे ऐसे, और बड़ी की मात्रा हम पीछे लगाते हैं। बच्चों, एक लाइन में जब बच्चे खड़े होते हैं तो छोटे बच्चे को हम कहाँ खड़ा करते हैं? आगे। तो ये छोटी की मात्रा भी कहाँ खड़ी हो गई? आगे। और बड़ा बच्चा कहाँ खड़ा होता है? पीछे। तो बड़ी की मात्रा कहाँ से लगती है? पीछे से। और इसकी आवाज कैसे आती है? लंबी, बड़ी। की, खी, गी। छोटी की मात्रा की आवाज कैसे आती है? जल्दी जल्दी, छोटी छोटी आवाज आती है। की, खी, गी, ली। और बड़ी की मात्रा की आवाज कैसे आती है? की, खी, गी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इस मात्रा को अक्षरों के साथ लगाते हैं और फिर उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क ई की, ख ई खी, ग ई गी, घ ई घी, च ई ची, छ ई छी, ज ई जी, झ ई झी। कैसी साउंड आ रही है बच्चों? बड़ी, लंबी। इसकी आवाज थोड़ी लंबी आती है। ट ई टी, ठ ई ठी, ड ई डी, ढ ई ढी, त ई ती, थ ई थी, द ई दी, ध ई धी, न ई नी, प ई पी, फ ई फी, ब ई बी, भ ई भी, म ई मी, य ई यी, र ई री, ल ई ली, व ई वी, श ई शी, श ई शी, स ई सी, ह ई ही। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना है कि बड़ी की मात्रा हम अक्षर के पीछे लगाते हैं, और इसकी आवाज कैसी आती है? लंबी, बड़ी। छोटी की मात्रा हम अक्षर के आगे लगाते हैं, और इसकी आवाज कैसी आती है? छोटी, की, खी, ली। और बड़ी की मात्रा की आवाज कैसे आएगी? की, खी, ली। आप सबने भी ऐसे ही मात्रा को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है और लिखने की कोशिश करनी है। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो।